हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 8वीं अर्धवार्षिक परीक्षा हिंदी विषय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बेस्ट साबित होंगे। एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स, क्लास 8th के जितने हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी स्टूडेंट्स लिंक के माध्यम से एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है और वहाँ पर आप लोगों को आपका कोर्स मटेरियल सारा उपलब्ध हो जाएगा। और जितने भी अभ्यास पेपर आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, सभी को आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हिंदी विषय के अति महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कक्षा 8वीं एमपी बोर्ड। देखिए सबसे पहला प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। एक वाक्य के लिए एक शब्द के आधार पर सही जोड़ी बनाइए। उपकार मानने वाला, तो उपकार जो मानने वाला होता है उसको हम कहते हैं कृतज्ञ, तो यहाँ पर आप इसको मिलाएंगे कृतज्ञ से। कम खाने वाला, तो जो कम खाने वाला होता है उसको मिताहारी भी बोला जाता है और अल्पाहारी भी बोला जाता है। जो ईश्वर में विश्वास रखता है, तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको हम कहते हैं आस्तिक। मतलब अगर कोई विश्वास में, देखो विश्वास है किसी के मन में ईश्वर के प्रति, तो वो आस्तिक होता है। और अगर किसी के मन में ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं है तो वो नास्तिक होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, आपका जो ईश्वर में विश्वास रखता है वो आस्तिक होगा। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसे हम सर्वज्ञ कहेंगे। जो अनुकरण करने योग्य हो, जो अनुकरण करने योग्य हो वो होता है अनुकरणीय। ठीक है, उसको ऑप्शन नंबर फर्स्ट से हम मिलाएंगे। इस प्रकार आप इस जोड़ी को कंप्लीट याद रखेंगे। इसके बाद में आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, पाटलिपुत्र नगर के अध्ययन के लिए मशहूर था। पाटलिपुत्र नगर किसके अध्ययन के लिए मशहूर था, तो आपको बताना है ज्योतिष के लिए। ठीक है, ज्योतिष आप यहाँ पर याद रखेंगे और वहाँ ज्योतिष की शिक्षा दी जाती थी। मुंडा जनजाति में सिंह का अर्थ है, तो सिंह का जो अर्थ होता है मुंडा जनजाति में वो होता है सूर्य। ठीक है, इसके बाद में कहा जाता है कि ऋषि ने भेड़ाघाट में तपस्या की थी। तो यहाँ पर आप लोगों को एक बात मैं बता दूँ कि भेड़ाघाट नामक जो पाठ हमने पढ़ा था, उस पाठ में क्लियर बताया गया है कि जो भृगु ऋषि जी थे, ठीक है, कहा जाता है कि भृगु ऋषि ने, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, भृगु ऋषि ने भेड़ाघाट में तपस्या की थी। और शब्द सुने सब कोय सबे सुहावन, इसको आपको पूरा करना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कोकिला। देखिए, शब्द सुने सब कोय और कोकिला, यहाँ पर कोकिला सबे सुहावन, इस प्रकार से आपको लिखना है। बहुत अधिक फूल खिलने के कारण पटना का नाम था, तो पटना का जो नाम है वो कुसुमपुर भी था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा फूल खिलते थे। तो आपको क्या बताना है, कुसुमपुर बताना है। कुसुमपुर ये पटना का नाम था, और क्यों पड़ा था ये, क्योंकि बहुत अधिक वहाँ पर फूल खिलते थे इस कारण। अब सही विकल्प चुनकर लिखना है। देखिए, सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद है, तो सत्याग्रह शब्द का जो संधि विच्छेद, आपको पहले ऑप्शन दिए हैं सत्य प्लस ग्रह, सत्य प्लस आग्रह या सत्या प्लस ग्रह, तो सत्य प्लस आग्रह जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सत्याग्रह। ठीक है, सत्य प्लस आग्रह। इसके बाद में युवा अवस्था का संधि विच्छेद है, युवा अवस्था का संधि विच्छेद आपके सामने है। युवा प्लस अवस्था, युवाओं प्लस आस्था, युवो प्लस अवस्था, या फिर यु प्लस आस्था। तो प्यारे स्टूडेंट्स, इसमें आपका करेक्ट जो उत्तर होगा वो होगा युवा प्लस अवस्था, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट इसमें हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ पाँव फूलना। हाथ पाँव फूलना मुहावरे का अर्थ है। आपके ऑप्शन है सूजन आ जाना, ताकतवर होना, घबरा जाना या खुश होना। तो ये मुहावरा है। मुहावरा ऐसा वाक्यांश होता है जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ बताता है। तो घबरा जाना इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। हाथ पांव फूलने का अर्थ होता है घबरा जाना। इसके बाद में देखिए, यहाँ पर आपको कुछ सामासिक शब्द दिए हैं। समास और विग्रह शब्दों के समक्ष सामासिक पद लिखना है। देखो ये जो है ना, इन शब्दों का आपको समास विग्रह करके और लिखना था, तो हमने आप लोगों के लिए इस सारा समास विग्रह किया है। देखिए, शंख से नाद, तो इसका बनता है शंखनाद।
गांव के वासी, तो इसका बनता है गांववासी। राजा का दंड, तो इसमें बनता है राजदंड। हर एक वर्ष, तो ये बनता है प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष। शौर्य के लिए चक्र, तो ये बनता है शौर्य चक्र, शौर्य चक्र। ठीक है, और इसके बाद में सेना का पति अर्थात सेनापति, नीला कमल, तो इसका बनता है नील कमल। ठीक है, अब आप देखेंगे अनुनासिक और अनुस्वार चिन्ह के आधार पर वर्गीकरण करना है। देखो यहाँ पर गांव दिया है, पंचम दिया है, दंड दिया है, मंगल दिया है, कांच, हंस, बांधना, बंधन, संबंध और हंस। इन शब्दों को क्या करना है, एक अनुनासिक और अनुस्वार इन चिन्हों के आधार पर बांटना है आप लोगों को। तो चिन्हों के आधार पर कैसे बांटना है, एक तरफ तो आप लिख देंगे अनुस्वार लिख देंगे और एक तरफ अनुनासिक लिख देंगे। तो अनुस्वार हमने एक तरफ लिख दिया पंचम, दंड, मंगल, बंधन, संबंध, ये तो अनुस्वार हैं। ठीक है, और अनुनासिक गांव, कांच, हंस और बांधना, ये अनुनासिक है। अब एक बात समझे, जिन वर्णों को या जिन शब्दों को बोलते समय जो वायु है, वायु सिर्फ कह सकते हैं कि नाक से निकले, तो वो अनुस्वार होता है। क्या होता है, अनुस्वार होता है। ठीक है, लेकिन जब अनुनासिक बोले जाते हैं तो नाक और मुख दोनों से समान मात्रा में वायु निकलती है। ठीक है, इस प्रकार से अनुस्वार और अनुनासिक होते हैं। इसके बाद में अति लघुतरी प्रश्न आप देखेंगे, पाटलिपुत्र किन किन सम्राटों की राजधानी रहा है। तो पाटलिपुत्र नगर नंद, मौर्य और गुप्त सम्राटों की राजधानी रहा है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी देन क्या है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी देन है शून्य सहित केवल 10 संकेतों से भी संख्याओं को व्यक्त करना, ये सबसे बड़ी देन है। मतलब एक तो शून्य को शामिल करते हुए जो 10 अंक होते हैं, ठीक है, उनकी संख्याओं को व्यक्त करना ये भारत ने ही विश्व को सिखाया। इसका मतलब ये है कि दशमिक स्थान मान, जो स्थानीय मान है, वो अंक पद्धति की खोज आर्यभट्ट से 3-4 सदियों पहले ही हो चुकी थी, और वो भी भारत में ही। इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका, राजा अभय सिंह ने खेजड़ली ग्राम जाकर किस लिए क्षमा मांगी थी। तो राजा अभय सिंह खेजड़ली ग्राम गए, वहाँ जाकर उन्होंने अपने सैनिकों के दुष्कृत्य के लिए क्षमा मांगी थी, उनके सैनिकों ने गलत कार्य किया इसलिए उन्होंने क्षमा मांगी थी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दिया जाता है। देखो अमृता देवी बिश्नोई जो पुरस्कार है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, इसे आप याद रखना। और उत्तर में आपको समझना है प्यारे स्टूडेंट्स, मध्य प्रदेश सरकार वन संवर्धन मतलब कि वनों को बढ़ाना और वन्य प्राणियों की रक्षा के उद्देश्य, मतलब वन्य प्राणियों को हमें बचाना भी है, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शहीद अमृता देवी पुरस्कार देती है। कौन सा पुरस्कार देती है, शहीद अमृता देवी पुरस्कार देती है, और मध्य प्रदेश सरकार ये देती है। अब इसके बाद लघुतरी प्रश्न में, भेड़ाघाट पाठ के लेखक की ममता नर्मदा से स्वाभाविक रूप से क्यों है। तो वो इसलिए है स्वाभाविक रूप से क्योंकि उन्होंने नर्मदा का बड़ा ही मनोरम दृश्य अपनी आँखों से देखा, समझा और महसूस किया, इसलिए। तो देखो उसमें क्या क्या है, लेखक की ममता नर्मदा से स्वाभाविक रूप से है क्योंकि उसने अपनी शिक्षा और अपना शारीरिक विकास भी नर्मदा के किनारे ही प्राप्त किया था। ठीक है, नर्मदा के किनारे ऊंचे रुके हुए हैं, यहाँ का वातावरण वायुमंडल खुला है, इसके आसपास बीहड़, झरने, घर्षण की ध्वनि बहुत अच्छी लगती है, और नर्मदा की संघर्ष में, नर्मदा क्या है, संघर्ष में है, उसके संघर्ष ने लेखक को भी संघर्षशील बना दिया है। मतलब कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि लेखक ने नर्मदा के माध्यम से बहुत कुछ सीखा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ाघाट पाठ का लेखक विधाता को चुनौती क्यों देना चाहता है और क्यों। तो इसमें आपको ये उत्तर नोट कर देना है कि लेखक विधाता को चुनौती इसलिए देना चाहता है, और क्या कहता है कि हे विधाता, तो इस सतपुड़ा के ऊंचे ऊंचे गौरवशाली शिखरों को एक सा बनाकर दिखाओ। तो ये धवल शिखर इतने ऊंचे हैं कि उनमें ऊंचाई में और श्वेतता में आसमान का नीलापन मालूम ही नहीं पड़ता, वे कहीं खोसा गया है, संगमरमरी श्वेत पर्वत शिखरों का क्रम अटे, उन्हें सृष्टिकारक विधाता भी नीचे झुका नहीं सकता। इस प्रकार से ये चुनौती देना चाहता है। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन मैं जो बता रहा हूँ इसको आप कंप्लीट याद रखेंगे कि अर्जुन जो है, अर्जुन ने अपना लक्ष्य
कैसे भेदा था या अपने लक्ष्य में वो कैसे सफल हुआ था। तो अर्जुन अपने लक्ष्य में सफल उस समय हुआ जब तन्मय होकर मतलब एकाग्र होकर ध्यानपूर्वक उसका समस्त ध्यान लक्ष्य में ही केंद्रित हो गया था। ठीक, अगले वीडियो में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड रहेंगे।